नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग रिटेलर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक रिटेलर की प्राइसिंग स्ट्रैटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं बाहिर इट लुक्स लाइक के रिटेलर की जो प्राइसिंग है वो रिटेलर डिसाइड कर रहा होता है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है वेन यू कीप थ फॉर्वर्ड तो यू विल अंडरस्टैंड के देर आर अदर की फैक्टर्स अदर की कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो जो कि रिटेलर की प्राइसिंग को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और वही ड्राइव एक्चुअली कर रहे होते हैं रिटेलर को प्राइसिंग को रिटेलर की प्राइसिंग को सेट करने के लिए सो लेट मी शेयर इट विद यू कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स uh, हैं जो कि इफेक्ट करते हैं रिटेलर की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो ये वो चार मेन फैक्टर्स हैं जो के इफ़ेक्ट करते हैं रिटेलर की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को सबसे पहले फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है कस्टमर्स या कंज्यूमर्स ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअली एक रिटेलर से प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आए हैं प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आए हैं जब रिटेलर अपनी प्राइस डिसाइड करता है तो वो कस्टमर के परस्पेक्टिव को लाजमी सामने रखता है कि मेरा जो टारगेट मार्केट है मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो एक्चुअली इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है या इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंगली वो रिटेलर उस प्राइस को रिटेल प्राइस को सेट करता है अपनी प्राइसिंग को सेट करता है कीपिंग इन कंसिडरेशन कंज्यूमर अब वो कंज्यूमर की बेशक वो डेमोग्राफिक्स हैं वो कंज्यूमर के अदर फैक्टर्स हैं साइकोग्राफिक्स हैं कोई भी ऐसी चीजें हैं वो जहन में रखेगा इवेल्युट करेगा अंडरस्टैंड करेगा ताकि जिस कस्टमर के लिए उसने प्राइस सेट की है अगर वो कस्टमर मुतमिन नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो कस्टमर वो कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बाय नहीं करेगा दूसरे नंबर पे जो फैक्टर uh, है वो गवर्नमेंट है बेशक वो फेडरल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट है कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी लेवल की गवर्नमेंट है दैट ऑल्सो इंफ्लुंस वो रिटेलर की प्राइसिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट मौजूद हैं जो कि हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं से फ्रूट्स के ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर मीट के ऊपर पोल्ट्री के ऊपर स्पेशली फॉर एग्जाम्पल तो येस वो प्राइस लिस्ट जो गवर्नमेंट के रेट लिस्ट है वो फॉलो की जाती है तो इस केस के अंदर जो प्राइस है वो गवर्नमेंट बहुत इन्फ्लुंसिंग फैक्टर होता है प्राइस को डिफाइन करने के लिए रादर देन कि वो रिटेलर उसको ड्राइव कर रहा हो इसी तरीके से जो थर्ड फैक्टर है दैट इज़ मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स एंड अदर सप्लायर्स ये थर्ड मेजर कॉम्पोनेंट है वो तमाम लोग फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ऑफ पल्सेस सप्लायर ऑफ राइस सप्लायर ऑफ ऑयल सप्लायर ऑफ डिटर्जेंट सप्लायर ऑफ बेवरेज सो मैनुफैक्चरर्स होलसेलरस सो ईच एंड एवरी वन हु इज़ एक्चुअली स्टेक होल्डर ऑफ इट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट और इफेक्ट द रिटेलर्स प्राइसिंग स्ट्रेटी फोर्थ नंबर के ऊपर जो फैक्टर है वो है करंट कंपेटिटर्स एज वेल एज पोटेंशियल कंपेटिटर्स सो आज के दिन में रिटेलर्स के जो भी कंपेटिटर्स हैं वो प्लस जो आने वाले टाइम के ऊपर रिटेलर के कंपैटिटर्स हैं वो सब भी इफेक्ट कर रहे होते हैं रिटेलर की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को सो so, ये चारों की फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं रिटेल की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम क्विकली इसको डिस्कस करते हैं अपनी स्लाइड्स uh, के अंदर वन बाय वन ताकि ज़रा इसके ऊपर एक डिटेल uh, हम डिस्कशन uh, भी कर लें तो सबसे पहले हमारे पास डिस्कशन इज अबाउट द कंज्यूमर जिस तरह मैंने अभी बात की कि रिटेलर को देखना है इवेल्यूएट करना है कि मैं जब भी प्राइसिंग की बात करूँ तो कंज्यूमर को परस कंज्यूमर के परस्पेक्टिव को अपने सामने रखूँ सो प्राइस इलास्टिसिटी को अपने सामने रखूँ डेमोग्राफिक्स को सामने रखूँ इवेल्यूएट करूँ साइकोग्राफिक्स को इवेल्यूएट करूँ अंडरस्टैंड करूँ क्योंकि मैंने जो वैल्यू ऑफर करनी है कस्टमर को मैं जो कन्वीनियंस कस्टमर को ऑफर करने जा रहा हूँ मैं जो एक्सपीरियंस कस्टमर को ऑफर करने जा रहा हूँ मैं जो सर्विसेज ऑफर करने जा रहा हूँ एज ए रिटेलर उन सब का ऑफ कोर्स प्राइसिंग के ऊपर एक इम्पैक्ट है तो कस्टमर उसको एज ए पैकेज कंसिडर करेगा लेकिन ऑफ कोर्स रिटेलर के लिए वो प्राइसिंग का पार्ट है बिकॉज हर चीज की एक कॉस्ट है सो कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑल फैक्टर्स ऑल कॉम्पोनेंट्स रिटेलर को ये देखना है कि मैं कंज्यूमर के परस्पेक्टिव को हमेशा वैल्यू uh, करूँ हमेशा हाई रेट करूँ प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट रेगूलेशन की बात है बेशक वो हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग की बात हो बेशक वो वर्टिकल प्राइस फिकसिंग की बात हो किसी भी तरीके से हो सो so, गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है प्राइसिंग को और वन ऑफ द की कंपोनेंट्स है की फैक्टर्स uh, है प्राइसिंग uh, स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने के लिए अगर एक प्रोडक्ट जो है वो या सेट ऑफ प्रोडक्ट जो है या कोई कैटेगरी जो है उसकी प्राइसिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है गवर्नमेंट उसमें डिसाइडिंग फैक्टर है या उसकी मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट कर देती है तो उस केस के अंदर रिटेलर को इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल अगर परचेस की बात करते हैं राइस की बात करते हैं शुगर की बात करते हैं तो ये वो कैटेगरीज हैं जिसकी प्राइस गवर्नमेंट रेट लिस्ट के ऊपर ऑपरेट होती है स्पेशली अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में तो रिटेलर को इस फैक्टर को इग्नोर नहीं करना हाँ अगर कोई रिटेलर ऐसी कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है जिसकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जस्टिफिकेशन वो दे सकता है तो ऑफकोर्स वो दोनों प्रोडक्ट्स को कैरी कर सकता है प्रोडक्ट वो ये भी कह सकता है कि दिस इज व्हाट प्रोडक्ट आई एम ऑफरिंग हायर प्राइस के ऊपर और दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइस वाली प्रोडक्ट जो है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट है तीसरे कॉम्पोनेंट की अगर हम बात करते हैं हमने कहा मैनुफैक्चर की होलसेलर्स की सप्लायर्स की तमाम परस्पेक्टिव में बेशक वो ओन ब्रांड का परस्पेक्टिव हो प्राइवेट लेबल ब्रांड का परसपेक्टिव हो तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो के हमने डिस्कस किए हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं टू द स्टोर प्रोडक्ट को स्टोर तक पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं या प्रोडक्ट को स्टोर से लेकर कस्टमर तक पहुँचाने में हेल्प कर रहे हैं आपके होल हैं आपके सप्लायर्स हैं आपकी सप्लाईज वाले लोग हैं तो ये वो तमाम लोग हैं जो कि भी हेल्प करते हैं प्राइस को डिफाइन करने में प्राइस को प्राइसिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में और लास्ट हमने कहा आपके करंट एंड पोटेंशियल कंपेटिटर्स की बात की तो ऑफ कोर्स जिस तरह हमने कहा कि जो आने वाले टाइम के ऊपर आपके कंपेटिटर्स हैं फ्यूचर कंपेटिटर्स हैं अपकमिंग कंपेटिटर्स हैं उनको भी आपको उनकी स्ट्रैटेजी को उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को देखना पड़ता है कि मेरा कंपटीशन कैसे बिहेव कर रहा है अगर कंपटीशन रेगुलरली प्राइसेस डिक्रीज कर रहा है तो यू कैन नॉट इंक्रीज प्राइस अगर कंपेटिटर रेगुलरली प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो ऑफकोर्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द प्राइस और आप लो ज़्यादा लोअर प्राइस ऑफर करके अपना अपने कारोबार का नुकसान नहीं कर सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लूज़ नहीं कर सकते हैं सो अगेन वाइल सींग द कॉम्पिटिशन यू ऑल्सो डिसाइड योर प्राइसिंग तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम डिस्कशन की तरफ आते हैं जो हमने बात की फर्स्ट फैक्टर की प्राइस लास्टिक ऑफ डिमांड के हवाले से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से कि क्या इम्पैक्ट है कितना चेंज इन प्राइस इम्पैक्ट कर रहा है चेंज इन क्वान्टिटी को चेंज इन वॉल्यूम को बाइंग करने के हवाले से तो देंसिटिविटी ऑफ द कंज्यूमर्स टू प्राइस चेंज इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटीज बाय सो ऑफकोर्स हाउ मच कस्टमर हाउ मच कंज्यूमर इज सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ अगर प्राइस के अंदर चेंज आता है तो मैं कितनी क्वान्टिटी को बाय करूंगा या नहीं बाई करूँगा अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ़ द प्रोडक्ट अगर ये मैं बात कर रहा हूँ फ्यूल की अगर मैं ये बात कर रहा हूँ रोटी की तो रोटी अगर दो रुपए की भी हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको रोज़ की दस रोटियां खाना शुरू कर देंगे लेकिन अगर रोटी वो दो रुपए से पचास रुपए की भी हो जाएगी स्टिल यू विल ईट टू रोटीज़ जो आपकी रूटीन है तो वो महंगी हो जाए या वो सस्ती हो जाए इस तरह के केसेस के अंदर नॉर्मली आपकी डिमांड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता अगर आता भी है तो बहुत स्लाइट लेवल के ऊपर आता है तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी तो हमारे पास दो तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं मेजरली uh, अगर हम बात करते हैं इलास्टिक सिचुएशन की और इन इलास्टिक सिचुएशन की स्मॉल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड टू सबस्टैंशियल चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट स्पॉट इस केस को वे एफर्ड एज एज इलास्टिक सिचुएशन जहाँ पे और इन इलास्टिक सिचुएशन के केस के अंदर वेर इज वे अ लार्ज परसेंटेज चेंज इन प्राइस और स्मॉल परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी एज ए रिजल्ट इसको अगर मैं एक टेबल के ऊपर एक ग्राफ के ऊपर क्विकली अगर रिफ्लेक्ट करना चाहूँ सो द पिक्चर विल लुक लाइक दिस अगर हम बात करते हैं सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ थिएटर अ मूवी थिएटर लास्ट सिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जहाँ पे कैटेगराइज किया गया है फॉर एग्जाम्पल द चेंज इन प्राइस फ्राम सिक्स डॉल्स टू टेन डॉलर्स

और तीसरा केस के अंदर द इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन वन विच मीन्स जो कि अभी हमने डिस्कशन किया कि हाउ मच प्रपोर्शनेट ऑफ प्राइस चेंज विल इम्पैक्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्वान्टिटी चेंज तो एग्जाम्पल आपको क्लैरिफाई करती है हेल्प करती है समझने में कि किस तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है बिकॉज दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल ऑफकोर्स इम्पैक्ट रिटेलर Cn of pricing about a particular product or about a set of particular product categories.